और आज हम हैं ओसोवाड़ी मोरबी के अंदर में, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लगे हुए हैं। साथ में कुछ कुछ हम लोगों ने बाम्बू के प्लांट्स भी लगाए थे। ब्लैक बाम्बू लगा हुआ है, जाइजेंटियस बाम्बू लगा हुआ है जो 120 फीट की हाइट पकड़ता है। अभी इनिशियली प्लांटेशन ही किया हुआ है और पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे कई अलग अलग मिक्स वैरायटी लगाई हुई थी, मर्ज किया हुआ था, और उसके अंदर में हमने टिश्यू कल्चर का भी इस्तेमाल किया हुआ था। टिश्यू कल्चर की वैरायटी भी लगाई हुई थी। तो इन द डे आप देख सकते हो जो टिश्यू कल्चर की वैरायटी थी उसके अंदर में फ्लावरिंग जो है, ये फ्लावरिंग आना चालू हो गया। इसीलिए बेसिकली हम प्रेफरेंस थोड़ा कम रखते हैं टिश्यू कल्चर की वैरायटी के रिगार्डिंग, कि जब भी कोई जगह पे ग्रीनरी के रिलेटेड ही क्यों नहीं बांस लगा रहा है, कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल इंटेंस वहाँ पे उतना ना हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमने लगाई है उस चीज़ का पूर्ण रूप से हमको सपोर्ट तभी मिलता है जब हम वहाँ पे सीड बेस्ड वैरायटी लगाए। तो आप या कहीं पे ग्रीनरी के रिलेटेड में अगर बांस लगा रहे हैं तो सही मायने में टिश्यू कल्चर को छोड़ के सीड बेस में, प्रोपोगेशन बेस में या ऐसी वैरायटी लगाने को रहिए जिसके कारण आपकी ग्रीनरी और आपका इंटेंस जो है वो इंटेंस वहाँ पे कंप्लीट हो सके। और यदि टिश्यू कल्चर की कोई वैरायटी आपके यहाँ पर सक्सेस है और प्री मैच्योर फ्लावरिंग नहीं देता है तो आप टिश्यू कल्चर तब लगा सकते हैं जब आपके पास में 5-7 साल का उस वैरायटी के रिलेटेड उस एरिया के अंदर में एक्सपीरियंस पूरा हो। क्योंकि अभी ये ग्रीन दिख रहा है, बारिश का मौसम अभी आने वाला है, एक बारिश हुई है तो तब तक के लिए ठीक लगता है, लेकिन जब भी ये समर सीज़न आता है तब भी ये एकदम पीला पड़ जाता है और भद्दा दिखता है। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ में भी ना हो, उसके लिए खास करके जहाँ कहीं पर भी बाम्बू का प्लांटेशन करते हो तो पहले अवेयर रहिए और चीज़ों को समझिए कि हमें वहाँ पे कौन सी वैरायटी का पौधा लगाना चाहिए। अगर बेसिकली सीड बेस या प्रोपोगेशन बेस कोई वैरायटी मिलती हो जो वहाँ पर पहले से है तो सबसे बढ़िया है उस एरिया का नेचर के हिसाब से लगाइए। अगर नहीं मिलती है तो टिश्यू कल्चर को अवॉइड कर सके तो सबसे बढ़िया रहेगा। और ग्रीनरी को इसी तरीके से बढ़ाते रहिए और अपनी मस्ती में मस्त रहिए। आइए मिलके बाम्बू लगाते हैं, ग्रीनरी को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और अपनी सब सुख सुविधा के साथ में और आगे नेचर को फैलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।